हेलो दोस्त, कैसे हैं? तो हम लोग पढ़ रहे थे लाइट। पिछले वीडियो में हमने लाइट का इंट्रोडक्शन कराया था, जिसमें हमने बताया था लाइट क्या है। लाइट एक पार्टिकल भी है, वेव भी है, दोनों चीजें हमने बताया था। और लाइट का डिफिनेशन लिखाया था, लाइट इज अ पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम, लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दैट मेक्स द सेंसेशन ऑफ विजन, जिससे हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते थे। और उसमें हमने कुछ प्रॉपर्टीज भी डिस्कस किए थे, जैसे लाइट का स्पीड एयर में 3×10^8 m/s, और लाइट इज, और क्या बताया था, लाइट कैन इंटरेक्ट विद बॉडीज मैटर। और हमने बताया था लाइट कैन रिफ्लेक्ट, लाइट कैन रिफ्रैक्ट, दोनों हो सकता है। लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रेक्शन दोनों हो सकता है। इन प्रॉपर्टीज के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो बेसिकली हमें 9th क्लास में पढ़ना क्या है, 10th में पढ़ना यह है कि हमें किसी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन करना है। क्या करना है? ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है, किसी ऑब्जेक्ट का मिरर के सामने रखकर उसका इमेज बनाना है। तो इमेज बनाने के लिए हमको पता है ऑब्जेक्ट से लाइट इमिट होती है। लाइट क्या होती है? ऑब्जेक्ट से इमिट होती है कि, और उस लाइट को हम देख नहीं पाते हैं, उस लाइट को हम देख नहीं पाते हैं तो इमेज बना नहीं पाएंगे, दिक्कत होगा। उस लाइट को हम दर्शाने के लिए रे का प्रयोग करेंगे। किसका? रे का। रे क्या होता है बच्चों? तो रे कुछ नहीं, बस सिंपल हमको जानना है कि लाइट यहां से यहां ट्रेवल की, यहां से यहां ट्रेवल की, जो हम ट्रेवलिंग करते हैं लाइट का, वो हमको तो दिखाई कुछ देता नहीं, बस उसको दर्शाने के लिए रे का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं रे किसको बोलते हैं। रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट। तो रे ऑफ लाइट क्या होता है? तो सिंपल, द पाथ ऑफ लाइट, द पाथ ऑफ लाइट, या फिर आप लिख सकते हैं थोड़ा और बढ़िया से, द पाथ ऑन विच लाइट ट्रेवल, द पाथ ऑन विच लाइट ट्रेवल इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। क्या? द पाथ ऑन विच लाइट ट्रेवल इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। जिस पथ पर लाइट ट्रेवल करती है उस पथ को ही हम लोग रे कहते हैं। बस सिंपल है, लाइट को इंसिडेंट होना है, रिफ्लेक्ट होना है, उन सब चीजों को दर्शाने के लिए हम रे का प्रयोग करेंगे। और मैथ में हम जानते हैं रे किसको बोलते हैं? जिसका वन एंड फिक्स होता है तथा दूसरा एंड फिक्स नहीं होता है, उसको इलोंगेट किया जा सकता है। एक तरफ एरो का निशान होता है और एक तरफ फिक्स पॉइंट होता है। डायरेक्शन इसका कुछ भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, जैसे चाहिए वैसे हो सकता है। और इसको लिखने का तरीका हमको पता है। मान लीजिए यहाँ ए और यहाँ बी लिखा गया है, तो लिखते हैं ए बी और ऊपर एक रे का चित्र बना देते हैं, सिंबल दे देते हैं, बोलते हैं रे ए बी। इस तरह से लिखा जाता है। जैसे हम लोग लाइन को लिखते हैं, क्यों लाइन है बी सी, तो लिखते हैं बी सी और ऊपर लाइन का सिंबल बना देते हैं। कोई लिख रहा होता है सी डी, रेखाखंड है ए लाइन सेगमेंट, तो लिखते हैं लाइन सेगमेंट सी डी। तो वैसे ही रे को लिखेंगे रे ए बी, और इस तरह से इसको दर्शाएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए, नोट कीजिए, आगे चलते हैं। रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट के बाद ये तो बात हुई एक रे की। हमें लाइट देखते हैं, बहुत सारे लाइट आते हैं, लाइट मतलब
हमको कुछ अंदाजा नहीं है कितना लाइट आया, लेकिन ऑब्जेक्ट से हम मान के चलते हैं कि इनफाइनाइट लाइट। क्यों इनफाइनाइट लाइट होता है? तो देखिए, कोई भी चीज हमको क्यों दिखाई देती है? क्योंकि उससे लाइट इमिट होती है। तो उससे लाइट कहां से इमिट होती है, कहां से आती है लाइट? तो कोई भी वस्तु रखी गई है, उस पर लाइट आती है, उस लाइट का रिफ्लेक्शन हमारी आंखों पे आता है और हम उस वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, तो उस वस्तु को मान लीजिए कोई वस्तु यहां रखा गया है, इसको हम यहां से देख रहे हैं। जैसे में ये स्केच है, इसको हम यहां से देख रहे हैं। क्या ये स्केच यहां से दिखाई देगा? बिल्कुल दिखाई देगा, यहां से भी दिखाई दे रहा है। क्या ये स्केच यहां से दिखाई देगा? बिल्कुल देखा। क्या ये स्केच ऊपर से देखिएगा तो दिखाई देगा? बिल्कुल देगा। नीचे से कहीं से भी देखिए आपको दिखाई देगा। अब बताइए, इसको जब हम रे से दर्शाएंगे, यहां से लाइट आ रही है, तो कितना रे दर्शाएंगे? यहां से इनफाइनाइट। तो याद रखना है बच्चों, किसी भी ऑब्जेक्ट से इमिट होने वाली नंबर ऑफ रेज, रेज की संख्या इनफाइनाइट होती है, कितना भी हो सकती है, इनफाइनाइट होती है। ओके, उसके बाद जब ढेर सारी रे को दर्शाना होगा तो हम यूज करेंगे बीम ऑफ लाइट। क्या बीम ऑफ लाइट? क्या होता है दोस्त? बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, ये क्या होता है? तो ये कलेक्शन होता है, बहुत सारे रेज का कलेक्शन होता है, उसी को बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। द कॉम्बिनेशन और कलेक्शन और कलेक्शन ऑफ टू और मोर देन टू लाइट रेज आर कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। क्या होता है? दो या दो से अधिक रे का जब कॉम्बिनेशन हो, एक साथ हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग बीम ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं दोस्त? बीम ऑफ लाइट। जैसे एक रे ये, एक रे ये, इन दोनों को एक साथ हम लोग बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे दोस्त? बीम ऑफ लाइट। दोनों को दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ओके, डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। तो इन सबको हम कलेक्टिवली, इन सबको बीम ऑफ लाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बीम ऑफ बीम ऑफ लाइट। इन सबको कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे? बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट है ये दोस्त। तो नोट कीजिए इसको, उसके बाद हम लोग देखेंगे। बीम ऑफ लाइट के भी अलग अलग होते हैं, तीन प्रकार के, सबको देखना है। ओके दोस्त, तो बीम ऑफ लाइट को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और इन्हीं तीनों को हमको यूज करना है। बीम ऑफ लाइट को तीन कैटेगरीज में बांटा गया है और इन्हीं तीनों को यूज करना है। पहला क्या है? कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, और दूसरा डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, और तीसरा होता है हमारे दोस्त पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इन्हीं तीनों को लेकर जितना भी रिफ्लेक्शन का लॉ है या जो भी हम रे डायग्राम बनाने वाले हैं, प्लेन मिरर द्वारा, कॉनकेव मिरर द्वारा, कॉन्वेक्स मिरर द्वारा, जितना भी रिफ्लेक्शन होना है, इमेज फॉर्मेशन होना है, इन्हीं तीनों से हम करेंगे। कौन है? तो पहला है कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, दूसरा है डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, तीसरा है
पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ये तीन बीम ऑफ लाइट है, पहला कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, दूसरा डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट और तीसरा हमारा है पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इन्हीं तीनों का यूज हमें करना है। तो कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट और पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ये तीनों क्या है एक एक करके हम देखते हैं इसको। तो कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट बच्चों बोलते हैं उसको, ऐसे बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट मतलब कलेक्शन ऑफ रेज, रेज ऑफ लाइट का कलेक्शन है, ऐसा कलेक्शन जिसमें सारा रे ऐसा हो कि किसी एक बिंदु पर मीट कर रहा हो, क्या कर रहा हो, मीट कर रहा हो, या फिर लग रहा हो कि आगे चल के मीट कर जाए। इस तरह का अगर कहीं आपको दिखाई दे बीम ऑफ लाइट जहां बहुत सारे रेज आके मीट कर रहे हो या ऐसा लग रहा हो कि आगे चल के मीट कर सकते हैं, तो वैसे बीम ऑफ लाइट को बोलेंगे दोस्त कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। आइए देखते हैं कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। तो इसका डेफिनेशन लिखना हो तो लिख लीजिए, अ बीम ऑफ लाइट, अ बीम ऑफ लाइट विच मीट्स एट ए पॉइंट और सीम्स टू बी मीट एट ए पॉइंट। क्या हो, किसी एक पॉइंट पर मीट कर रहा हो या फिर ऐसा लगे कि ये आगे चलकर मीट कर जाए, ऐसे बीम ऑफ लाइट को बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। देखिए इस तरह से, ये क्या है दोस्त, देखिए ये एक दो तीन रे और भी हो सकते हैं, जितना आप ड्रॉ करना चाहें कर सकते हैं, ठीक ना, जितना आप ड्रॉ करना चाहें कर सकते हैं। तो देखिएगा इनमें खास बात यह है कि सभी के सभी एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, या तो ऐसा हो तो कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, या फिर ऐसा हो, क्या लग रहा है दोस्त देखने से, क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि ये आगे चलकर एक दूसरे से सब मीट कर जाएंगे। तो ऐसे बीम ऑफ लाइट को बोला जाता है कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं दोस्त, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। इसको आगे ले जाके मिलाइएगा सब एक दूसरे से मीट कर जाएंगे। तो इस तरह का लाइट को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं दोस्त, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। नोट कीजिए, अगला हमारा दोस्त डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट है। क्या है, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। अगला क्या है दोस्त, DIVERGING, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। क्या है दोस्त, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। ये क्या होता है, तो ये दोस्त डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट होता है ऐसा बीम ऑफ लाइट, ऐसा बीम ऑफ लाइट जिसमें बहुत सारे रे किसी एक पॉइंट से डाइवर्ज हो रहे हो, डाइवर्ज हो रहे हैं यानी कहने का मतलब है कि बिखर रहे हो। उसमें क्या होता था, कन्वर्जिंग में मीट कर रहे थे, अब ये डाइवर्जिंग हुए जिसमें एक पॉइंट से बिखर रहे होंगे, या फिर देखने से लगे कि ये जो बिखरे हुए लाइट है किसी एक पॉइंट से बिखर कर आ रहे हैं, ऐसा दिखना चाहिए, कैसा, किसी एक पॉइंट से, या तो किसी एक पॉइंट से बिखर रहे हो
इस तरह से, या फिर देखने में लगे कि किसी एक पॉइंट से ये बिखर रहे हैं, ठीक ना। तो इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। डेफिनेशन लिखना हो तो लिख सकते हैं आप, ए बीम ऑफ लाइट विच डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट और सीम्स टू बी डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट। ऐसा बीम ऑफ लाइट जो किसी एक पॉइंट से डाइवर्ज कर रहा हो या फिर लगे कि डाइवर्ज कर रहा हो। इसमें देखिए आप देख सकते हैं कि एक पॉइंट से ये डाइवर्ज कर रहा है और इसमें आप कह सकते हैं कि ये पीछे चलकर किसी एक पॉइंट पर मीट करेगा और वहीं से ये तीनों रेज जो है डाइवर्ज कर रहे हैं। तो ऐसे बीम ऑफ लाइट को आप बोलिएगा डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। क्या दोस्त? डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, नोट करें। तीसरा और हमारा लास्ट है दोस्त, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। क्या है पैरेलल बीम ऑफ लाइट? पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट किसको बोलेंगे? सिंपल सा है, अ बीम ऑफ लाइट इन विच ऑल द रेज आर पैरेलल टू इच अदर। क्या होगा? ए बीम ऑफ लाइट इन विच ऑल द रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। क्या होता है? ऐसा बीम ऑफ लाइट जिसमें जितना भी रे है ऑल रेज सब एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ऐसे बीम ऑफ लाइट को बोलते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं दोस्त? पैरेलल बीम ऑफ लाइट, डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, ऐसे बीम ऑफ लाइट को बोलते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है दोस्त, नोट कीजिए। तो हमने देखा रे, रे किसको बोलते हैं? द पथ ऑन विच लाइट ट्रेवल, जिस रास्ते पर लाइट चलता है उस रास्ते को ही रे बोलते हैं। उसके बाद बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट यानी गुच्छा कलेक्शन, तो एक से ज्यादा रे हो तो उसको बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। उसमें भी कन्वर्जिंग, जो किसी एक बिंदु पर मीट करे या लगे कि मीट करे वैसे को बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। और हमारा दूसरा डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, जो एक बिंदु से डाइवर्ज करे या फिर लगे कि डाइवर्ज कर रहा हो तो उसको बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। तीसरा और हमारा लास्ट बीम ऑफ लाइट है पैरेलल बीम ऑफ लाइट, जो क्या है? जिसमें हर एक रे एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। अब इन्हीं तीनों को लेकर हमको पूरा खेल खेलना है रे डायग्राम का, इन्हीं तीनों को लेकर हमको पूरा खेल खेलना है रे डायग्राम का। तो रे डायग्राम और हमको क्या पढ़ना है? रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन पढ़ना है तो
चलिए स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है दोस्त? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट 8 में पढ़ा होगा, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सही है, द बाउंसिंग बैक मतलब किसी से टकरा कर वापस आ जाना लाइट का, उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है वजह किसी भी सरफेस से, कोई बोलता है स्मूथ सरफेस होना चाहिए, जरूरी नहीं कोई भी सरफेस हो, यदि उससे लाइट रे टकरा के वापस आती है उसी मीडियम में जिस मीडियम से गई, मीडियम मतलब माध्यम, ये हवा में चल रही है लाइट, टकराई फिर टकरा कर इसी माध्यम में चल गई, इसी हवा वायु में, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मीडियम चेंज नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? मीडियम चेंज नहीं होना चाहिए, टकराना टकरा के वापस उसी मीडियम में वापस लौट जाना, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या दोस्त? तो यह एक प्रोसेस है, क्रिया प्रक्रिया है। द प्रोसेस और इसको आप फिनोमिनन भी बोल सकते हैं या फिर प्रोसेस कुछ भी बोल सकते हैं। द फिनोमिनन इन विच प्रोसेस लिखते हैं अच्छा रहेगा। प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच लाइट रे इंसिडेंट ऑन ए द प्रोसेस इन विच लाइट रे इंसिडेंट ऑन ए सरफेस द प्रोसेस इन विच लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ सरफेस एंड गेट रिफ्लेक्टेड बैक इंटू द सेम मीडियम आफ्टर कोलाइडिंग विद सरफेस। द प्रोसेस इन विच लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ सरफेस एंड गेट रिफ्लेक्टेड बैक इंटू द सेम मीडियम आफ्टर कोलाइडिंग द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है प्रोसेस? है द प्रोसेस इन विच अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ सरफेस एंड गेट कोलाइड, क्या होता है? टक्कर होता है, लाइट रे का सरफेस से टक्कर होता है और टक्कर के बाद रिफ्लेक्ट करती है सेम मीडियम में जिस मीडियम से वो आई हो, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं दोस्त? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, देखते हैं, जैसे ये कोई सरफेस है, जरूरी नहीं है प्लेन हो, कुछ भी हो सकता है। और इस सरफेस पर लाइट इंसिडेंट के बाद टक्कर होता है यहाँ पे रे का, टकरा कर फिर वापस चली जाती है
मान लीजिए इस सरफेस के ऊपर मीडियम वन है और इधर नीचे मीडियम टू है, तो यदि लाइट रे मीडियम वन से आके टकराने के बाद पुनः मीडियम वन में ही चली जाए, तो ऐसे प्रोसेस को, ऐसे घटना को, लाइट रे की ऐसी घटना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं दोस्त? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये काम हम इस पर भी कर सकते हैं। ओके, इस पर देखिए कुछ सिमेट्री टाइप का नहीं है क्योंकि ये रफ सरफेस है। क्या है? रफ सरफेस, RUGH, रफ सरफेस। और ये क्या था दोस्त हमारा? स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस। और ये इंसिडेंट रे। तो दोस्त आज के लिए इतना ही। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कल हम लोग पढ़ेंगे, कितने टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं, लॉ क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, और आगे पढ़ेंगे मिरर क्या होता है, कितने प्रकार का मिरर होते हैं, इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।